इसमें विधि सम्मत रिहाई की गई है, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे, और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और ख़ास तौर पर आनंद मोहन जी हमारे इलाके के हैं और उनसे पारिवारिक संबंध है, हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णय से खुशी है। और अभी हम देखे नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या ट्वीट किया है, नहीं किया है, हम देखे नहीं हैं। बिना देखे उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो भी कार्रवाई सरकार ने की है वो विधि सम्मत की है, कानून सम्मत की है, इसमें कानून से हट के नहीं किया गया है। आनंद मोहन ने कहा कि वो सक्रिय राजनीति में भाग लेंगे और जल्द घोषणा करेंगे 27 तारीख के बाद जब वो रिहा हो जाएंगे, इस तरीके से देखिए जो अब वो खुद बोल चुके हैं, तो उस पर हमको क्या प्रतिक्रिया देना। बीजेपी का है ना कि हमारे दरवाजे खुले हुए उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है नहीं कह रही है, दोनों बात भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि कहीं जाते हो राजनीतिक कारणवश कोई दूसरे राज्य में उनके बड़े बड़े नेता, तो वो सही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, उस मुहिम में लगे हुए हैं, तो ये उन लोगों को गड़बड़ लगता है। अपना जाते हैं तो वो लोग उनके नेता जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो सही लगता है राजनीतिक कारणवश। हमारे नेता जा रहे हैं तो उन लोगों को खराब लगता है, तब उनकी सोच है, कहीं कोई जा सकते हैं और कोई भी कोई बात कर सकते हैं राजनीतिक हित में, देश के लोगों के हित में। जो अभी देश में माहौल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता ने कहा है हम सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाएंगे, एकजुट करेंगे, ताकि जो सत्तासीन सरकार है, जो जनता में नाराजगी है, जनता का भलाई नहीं हो रहा है, उनका सब मिल के मुकाबला करेंगे, यही इसी मुहिम में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने कल कहा है कि देश की अगर कोई जल्दी मुख्यमंत्री पद तो अपने करके सौंपने में कौन बोले हैं आर के सिंह। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या उनके मंत्रीगण अपने अपने तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं तो लोग तो दिन रात बोलते ही रहते हैं, तब उनके बोलने पर हम लोग कितना जवाब देते थे। पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से मिलने तो गए थे, ये वही ममता बनर्जी हैं जो नीतीश कुमार को गद्दार कही थी, फिर कैसे चले गए मंत्री। देखिए ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, वो पहले अपने वो लोग देख ले, या जो और लोग कह रहे हैं, तो राजनीति में बहुत बात समय के अनुसार होता है और कौन क्या कहता है राजनीति में सभी लोग अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं समय समय पर। इसलिए अभी जो देश की हालात है, देश में जो समस्या है, देश में जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, जो लोग परेशान हैं त्रस्त हैं केंद्र की सरकार के रवैये से, अभी ज़रूरत है कि सभी विपक्ष के जितने भी दल हैं उनको एकजुट करके जो अभी केंद्र की सरकार है उसको कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहते हैं, और अब कौन क्या बोलते हैं कब क्या बोले हैं वो तो रिकॉर्ड हम लोग के पास है नहीं, लेकिन हमारे नेता न किन्हीं कोई भी राजनेताओं के खिलाफ, कोई भी चाहे विरोधी दल के भी राजनेता हो, कोई इस तरह का अपशब्द या कुछ मर्यादा पूर्ण बात ही करते हैं। और हमारे नेता में वो क्षमता है कि सबको एकजुट करेंगे, और हम लोग तो चाहेंगे हम लोग जैसे कार्यकर्ता कि देश के बागडोर हमारे नेता को मिले, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम कोई प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, लेकिन हम विपक्षी नेताओं को एकजुट करें।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।